लक्ष्मी जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको जूली 2 के लिए. थैंक यू. एंड क्योंकि आपने स्टेज पे आने के बाद आपने बताया कि अब मैं जो है पोस्टर से अब मैं टर्न लेना चाहती हूँ, क्योंकि आपने ढेरों सारी मलयालम तेलुगु फिल्में की है, तो आप मानते हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से ये फिल्म आपके करियर को टर्न लेने वाली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में? ज़रूर, फॉर लॉट ऑफ रीजंस. क्योंकि मैं मुझे लगता है कि इस फिल्म में मोर देन बोल्डनेस देयर इज अ लॉट ऑफ स्टोरी टू स्पीक. जब आप ये फिल्म रिलीज होगी आपको पता चलेगा. अभी जो आप ट्रेलर में देख रहे हो, जो टीजर में देख रहे हो, इट्स ऑल फ्रॉम अ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज एन एंटरटेनमेंट, बट इसकी कहानी कुछ और है. और एंड इट्स अ थ्रिलर. सो आपको ज़रूर इन अ स्टोरी आपको बहुत कुछ देखने मिलेगा. एंड एज अ 50th film, I think it becomes my responsibility to be a part of something that can actually uplift my career, you know. तो मुझे वैसे स्क्रिप्ट में मैं मतलब I was looking for it in South, but it so happened I got it in Bollywood. So I think I'm blessed in that ways. So मुझे ये कहानी, मैंने बोला था आपको कि ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए, बिकॉज ये जो कहानी है द जर्नी ऑफ अ गर्ल. There are few situations where जब मैं ये narration पर बैठी थी I could relate so much. और मैं सोच रही थी कि ये क्यों इतना openly बाहर नहीं आता है. Why people are not making this which is actually the truth that's around. So something that I could connect with me, and that's how I took it up as a challenge. And it's been a challenging journey for me to do like bold scenes like this in the film, because jo background se main aati hu like from South, there is a limit to glamour over there. मैं ये नहीं बोल रही कि मैं ग्लैमरस रोल नहीं की, मैं आई हैव नॉट डन ग्लैमरस रोल्स डाउन साउथ. इट्स जस्ट दैट देर इज अ लिमिटेशन टू दैट. बट यहाँ पे आई गॉन ऑल आउट बिकॉज द स्टोरी नीड्स इट, द स्क्रिप्ट नीड्स इट, नॉट जस्ट टू सेल माई स्किन और माई बॉडी. रायलक्ष्मी जी, आपने बताया कि ट्रेलर में जैसा कि हमने देखा कि हीरोइन बनने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जितना भी आपने काम किया है साउथ में या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, पर्सनल लाइफ में आप ऐसा फील करती है कि हीरोइन बनने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है? सी, हर एक इंसान का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है. सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट. जो मेरे साथ हुआ है इन द इंडस्ट्री, आई हैव बीन वन ऑफ दोज लकी वंस जहाँ मेरी एंट्री ईजी हुई है. बट आई डोंट वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम दिस. आई हैव फेस सिचुएशंस वैन आई वॉज नोन, नॉट वैन आई वॉज स्ट्रगलिंग. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्चुअली शेयर दिस मैसेज टू पीपल कि इट्स जस्ट नॉट अ ग्लैम वर्ल्ड. इवन एक्ट्रेसेस गो थ्रू अ लॉट ऑफ चैलेंजिंग सिचुएशंस. कभी आपको ऐसे मतलब फेस करना पड़ा या आपकी लाइफ में? फेस तो हर इंसान करता है, हर फील्ड में करता है, बट द थिंग इज हाउ यू टेक इट अप एंड हाउ यू हैंडल इट इज व्हाट मैटर्स.